नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर DSP/ICFRA/2019। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी कौन सी पोस्ट है, किसके इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। और जो इसके वेतन भत्ते होंगे वो 7th CPC आपको लगेगा। इसमें वैकेंसी कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पोस्ट 54, जनरल की 23 पोस्टें भरी जाएंगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पोस्टें 4, OBC की 16, 16 पोस्टें भरी जाएंगी। SC की 7, ST की 4 है। जॉब लोकेशन आपकी कहाँ होगी पूरी हम जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सीरियल नंबर 1 है, ग्रुप 1 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 13 होगी, जनरल की 4 है, EBS की, EWS की 1 है, SC की 3, ST की 3, OBC की 2। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास ये होनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन जो है इसमें PhD डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट ये बताई हुई है, तो ये पोस्टें भरी जाएंगी। इसके बाद जो अगली है फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी की ये पोस्ट होगी, सीरियल नंबर 2 है। नंबर ऑफ वैकेंसी कौन कौन सी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जनरल के लिए कितनी है और SC ST के लिए कितनी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। टोटल 2 है और ये जनरल के लिए होगी दोनों, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी हुई है MSc मांगी हुई है, MSc डिग्री इन वाटर रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, सोयल एंड वाटर इंजीनियरिंग, जियो हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आपके पास है। अगर ये नहीं तो फिर इसके बाद ये है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट इसमें मांगी हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, क्वालिफिकेशन MSc डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, बाकी डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लीजिए। सोयल साइंस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 3, जनरल की 1 है, SC की 1 है और OBC की 1 है। इसके लिए चाहिए आप MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन सोयल एंड साइंस। उसके बाद अगर ये नहीं तो आप अगर आप MSc सोयल में साइंस में और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली वैकेंसी थी हमारी सीरियल नंबर ये 1 ग्रुप 2 की, बोटनी की नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, 2 जनरल की, 1 EWS की होगी, 2 SC की है, 1 ST की है, 3 OBC की है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन बोटनी आपके पास है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की थी तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सेम केमिस्ट्री चाहिए MSc केमिस्ट्री में, तो अगर आपके पास ये है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 3 था, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, MSc जूलॉजी एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और जो बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही। नंबर ऑफ वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 थी और जनरल की 2 थी, OBC की 2 थी, नेम ऑफ पोस्ट था एंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो अगली पोस्ट थी फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की पोस्ट थी, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2, 1 जनरल की, 1 OBC की, और क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए थी MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अगर ये नहीं तो फिर ये है तो फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की पोस्ट थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 3, 1 जनरल की होगी, 1 SC की और 1 OBC की। क्वालिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बोर्ड साइंस टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पर आ रही है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भेजी जानी थी 1 पोस्ट, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। फिर इसके बाद इकोलॉजी की पोस्ट आएगी, सेम क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्या चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर इसमें बताया हुआ है। तो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है। उसके बाद 2 पोस्ट ये भरी जानी थी, फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपके पास होनी चाहिए।
तो फॉरेस्ट जेनेटिक्स के पोस्ट थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 थी, जनरल की ये भरी जानी थी। क्वालिफिकेशन हर आपकी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। उसके बाद थी सी टेक्नोलॉजी की वैकेंसी थी, भरी जानी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन बोटनी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन सीड टेक्नोलॉजी, ये आपके पास होना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम बता चुकी है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कौन से कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो गए शिमला हिमाचल प्रदेश का, बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक का सेंटर होगा, और पूरे जो सेंटर की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के कहाँ हैं, 5 सेंटर इसमें हो गए, शिमला में हो गए, और सेंटर कोड हो गए 5 ही सेंटर कोड है, जैसे शिमला का 10 सेंटर कोड है, रांची, झारखंड, असम, और तो इस प्रकार से जितने भी आपके एग्ज़ाम हो गए वो सभी इन्हीं सेंटर्स में हो गए। और एज लिमिट क्या चाहिए, तो 21 साल से अगर आप 35 साल तक है इसके लिए, 21 साल से 21 से आप 35 तक है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन वगैरह क्या हुई, तो 5 साल की SC ST, 3 साल की OBC के लिए इसमें होती है, तो सेम रहेगी। अब जो इसके लिए कैटेगरी और एग्जामिनेशन फीस है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, जनरल के लिए और अनरिजर्व जो UR है इसके लिए, और इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन इसके लिए 1500 रुपये आपकी फीस बताई हुई। अदर OBC के लिए 1500 होगी, SC ST दिव्यांग और जो फीमेल है लड़कियां जो कैटेगरी कोई भी हो उनकी, उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ पर आप क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे ncbc.nic.in, या यहाँ पर आप जाकर recruitment.icfri.gov.in पर आप लॉगिन करके अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। जो मेन नेशनैलिटी राष्ट्रीयता क्या चाहिए, तो ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई, ये सेम रहेगा इसके लिए। रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा, तो महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, और किस प्रकार से होगा आपका एग्ज़ाम रिटर्न, तो इंग्लिश हिंदी और ये लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। इसमें पेपर होगा आपका पार्टिकुलर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये इस प्रकार से आएंगे आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा ये। और कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जनरल EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है SC ST और दिव्यांग के लिए 40% इसमें चाहिए, बाकी के लिए 45, OBC के लिए और 50 जनरल के लिए होने चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू क्या आपको 70 नंबर हो गए, और उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसीजर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रूल एंड टाइप ब्रेकर जो है इसको आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जनरल इंस्ट्रक्शन हो गए, क्वेश्चन को भी आप देख लेना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो द कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट इन द पोस्ट ऑफ अबोव डिसिप्लिन्स विल बी पोस्टेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ द काउंसिल एट देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, जोरहट, शिमला, रांची, हैदराबाद, प्रयागराज, तो छिंदवाड़ा, आइजवाल या विशाखापट्टनम। हाउएवर ऑल द पोस्ट कैरी एलिजिबल टू सर्व एनी ऑफ इंस्टीट्यूट सेंटर अंडर IFSR विद इन इंडिया। अब जो मेन क्वेश्चन आपका कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का जो आपको लिंक है वो हम आपको दे चुके इसमें, और वैकेंसी साइंटिस्ट भी की है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट आपको उसका वो आपको भरना पड़ेगा, फादर नेम आपको भरना है, कंप्लीट एड्रेस ये आपको भरना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, 10th में कितने मार्क्स थे वो आपको, क्वालिफाइंग डिग्री वो आपको भरनी है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बारे में आपको जानकारी देनी है, और डॉक्टरेट डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास ये जो भी है इसके लिए। फिर उसके बाद सेंटर ओपन, तो प्लीज़ चेक द एग्जामिनेशन सेंटर एंड द कोड ऑफ इन दिस नोटिफिकेशन, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर बताए वो आपको भरने हैं, सेलेक्ट करने उनमें से, और स्कैन कॉपी आपकी लगेगी, ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर वगैरह जो होगे वो सब कुछ आपको भरना पड़ेगा इसमें। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, जन इंस्ट्रक्शन है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई वी मोड वेबसाइट http://recruitment.icfre.gov.in, और इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 से लेकर आप 1/4/2019 टू, ठीक है,
5 बजे तक आप इसके लिए और 15/5/2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स 1 अप्रैल 2019 से आप 15 मई 2019 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई द मोर देन वन पोस्ट अप्लाई स्पेशली फॉर ईच पोस्ट ओनली वन पोस्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। इसमें आपको देखना है कि जो ग्रुप दिए उनमें से एक ही पोस्ट के लिए आप हर ग्रुप में से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा जो भी नोटिफिकेशन थी, इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए और क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं, वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसके लिए जो हमने आपको वेबसाइट बताई है वहाँ पर जाएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के इसके रिलेटेड मिल जाएगी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एज रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC और दिव्यांग जो आपको आती है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए दी हुई है। और जो 10 साल की रिलैक्सेशन है इसमें ये दिव्यांगों के लिए 10 साल की छूट है। मीन्स कि मैंने आप 21 से 35 एज आपको बताई है, तो 35 अगर से अगर आप ऊपर है और आप दिव्यांग है फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 45 तक फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया, अगर आपका फिर भी कुछ सवाल है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट दी हुई है वो वेबसाइट आप देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी जानकारी और कुछ जानना है तो फिर कमेंट करेगा, हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।